हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय क्लास. मायसेल्फ रमा राठौर फ्रॉम गीतांजलि पब्लिक हाई स्कूल. आई विल बी टीचिंग इंग्लिश इन फोर्थ क्लास. दिस इज योर बुक चेरी. टुडे आई विल टीच यू द फर्स्ट चैप्टर व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. फर्स्ट आई विल रीड द पोएम. एवरीवन ग्रम्बल्ड. द स्काई वॉज ग्रे. वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से. वी वेर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिसमेल डे. And then there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond. In this poem, a family is going out for a picnic. इस पोयम में एक फैमिली है जो पिकनिक के लिए बाहर जाती है. और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग सब एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं. Everyone grumble. Everyone grumble मतलब वो सब एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे हैं. द स्काई वॉज ग्रे. और स्काई कैसा था? ग्रे. ग्रे मतलब ये इवनिंग का टाइम है. वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से. वो सब लोग एक दूसरे से कंप्लेन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ भी इंटरेस्टिंग ना तो करने के लिए था और ना ही कोई इंटरेस्टिंग बातें थी एक दूसरे से करने के लिए. वी वेर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिसमेल डे. यानी वो जो डे था वो बहुत ही सैड बोरिंग डे था. एंड देन देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. और उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पिकनिक है वो ऐसे ही बोरिंग रहेगी और अब कुछ इसके आगे होगा भी नहीं. देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. फिर अचानक से क्या हुआ? जो डैडी थे वो अचानक से पानी में गिर गए. पॉन्ड. पॉन्ड मतलब एक छोटा सा तालाब. ये देखिए इस पिक्चर में ये जो डैडी हैं वो पॉन्ड में गिर गए हैं. कम टू नेक्स्ट पेज. एंड एवरी वन फेस ग्रीव मैरी एंड ब्राइट. और जैसे ही डैडी पॉन्ड में गिरे सबके फेस जो है वो खुशी से एकदम चमक उठे. ब्राइट मतलब उनके फेस पे खुशी आ गई. एंड टिमोटी डांस फॉर शियर डिलाइट. और जो टिमोटी था जो बेटा था वो खुशी के मारे डांस करने लगा. उसे इतनी खुशी हुई कि वो डांस करने लगा. गिव मी द कैमरा क्विक. ओ क्विक. जो टिमोटी है उसने जल्दी से बोला कि लाओ मुझे कैमरा दे दो जल्दी से. ही इज़ क्राउलिंग आउट ऑफ द डक विक. टिमोटी ने बोला मुझे जल्दी कैमरा दे दो वरना ये डैडी हैं वो पॉन्ड के बाहर आ जाएंगे. ही इज़ क्राउलिंग. ही का मतलब यहाँ पे डैडी है. क्राउलिंग आउट मतलब वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. ऑफ द डक विक. डक विक क्या होता है? पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं पानी के अंदर उनको डक विक बोलते हैं. क्लिक. टिमोटी ने क्या किया? जल्दी से कैमरा ले लिया और उसने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया. देन द गार्डनर सडनली स्लैप हिज नी. और जब वो लोग पिकनिक गए थे तो वहाँ पे गार्डनर था वो भी डैडी को पानी में देख के स्लैप हिज नी यानी वो अपने घुटनों पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगा. सी इन दिस पिक्चर वो अपने घुटनों पे थप्पड़ मार रहा है. एंड डबल्ड अप शेकिंग साइलेंटली मतलब उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो हंसते हंसते हिलने लगा था. एंड द डक ऑल क्वैक एज इफ दे वर डेथ. और उस पॉन्ड में बहुत सारी डक्स थी वो सारी डक्स क्वैक क्वैक आवाज़ निकालने लगी और इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाल रही थी ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग पागल हो गई हैं. डेफ का मतलब होता है पागल हो गई हैं. एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रैक लाफ. और जब वो सारी डक्स क्वैक ऐसी आवाज़ निकाल रही थी तो कैसा लग रहा था? जैसे कोई ओल्ड ड्रैक यानी बूढ़ा. ड्रैक मतलब मेल डक. जैसे कोई बूढ़ा डक हंस रहा है. ओ देयर वॉजंट अ थिंग दैट डिडंट रेस्पॉन्ड व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. जब डैडी पानी में गिरे तो वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे मज़ा नहीं आया हो. डैडी के पानी में गिरने से वो जो बोरिंग पिकनिक थी वो एकदम एंजॉयबल मज़ेदार पिकनिक बन गई थी. एंड द राइटर ऑफ दिस पोयम इज़ अल्फ्रेड नोएस. आई थिंक आपको ये पोयम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोयम. थैंक यू स्टूडेंट.